मेरा नाम नुरुल दीवान है, मैं फिजियोथेरापिस्ट हूँ और मैं अभी ओएसिस का जो L3 कोर्स है, लिविंग लविंग लर्निंग, उसका मैं थर्ड ईयर मेरा चल रहा है। वैसे वो 4 साल का कोर्स है। तो ये जो L3 कोर्स मैंने शुरू किया, उसके पहले मैं पूरा ऐसे मशीन की तरह था। लाइक मुझे ना ऐसे इमोशंस जो होते हैं वो समझ में नहीं आता था। लाइक अगर पता भी चल रहा है तो आगे क्या करना है उसके बारे में पता नहीं चलता था। जैसे कि हम लोग एक बार खाने गए थे और रेस्टोरेंट में लाइक वो फेयरवेल था, एक फ्रेंड थे वो जा रहे थे दूर, तो अभी वो थोड़ा इमोशनल हो गए और रो रहे थे और मुझे पता भी नहीं था कि लाइक मैं क्या करूँ वो टाइम पे। और मैं इतना एक्सप्रेसिव भी नहीं था पहले, लाइक जो भी बोल सकता हूँ उतना, मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट था। अभी L3 कोर्स लिया, उसके बाद काफ़ी सब सीखने को मिला और अभी मैं जो हूँ तो अब मुझे समझ में आता है कि अगर कोई इमोशनल सिचुएशन है तो उसको हैंडल कैसे करना है, अगर घर पे कोई इशू है तो उसको कैसे सही तरीके से बिना किसी झगड़े किए, बिना या फिर सिर्फ वो सिचुएशन को छोड़ के भाग नहीं जाना है, वो जैसे मैं पहले करता था। अभी मैं सब समझता हूँ और अच्छे से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, उतना मैं कैपेबल हो गया हूँ। फिर स्पेसिफिक कुछ बताने जाऊँ तो लाइक कॉन्फिडेंस बढ़ा है, लोगों को समझने में जो उनके जो इमोशंस होते हैं वो मैं काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ और फिर आगे क्या करना है उसका एक रोड मैप या फिर वो सिचुएशन में क्या करना है वो मुझे अब समझ में आता है। थैंक यू।